ग्वालियर में हजीरा स्थित कांच मिल में बीजेपी के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निवास पर सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि बिजली विभाग कंपनी ने हमें बहुत दिवाली के समय बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हम लोगों की वजह से बिजली विभाग का राजस्व काफी बढ़ा है, उसकी एवज में हमें यह सजा मिली। अगर ऐसी ही होता रहा तो कोई भी सुरक्षा गार्ड अधिकारियों के साथ नहीं जाएगा। इस संबंध में हमारी मंत्री जी से चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। टीम भारती न्यूज। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक बिजली विभाग में बिजली विभाग के द्वारा लेटर दिया गया सैनिक कल्याण बोर्ड ग्वालियर को, उसके माध्यम से उनकी भर्ती की गई और उनको मार्च तक रखने का आश्वासन देकर बिजली विभाग ने उनसे वर्तमान में और पूर्व में बहुत सारा काम लिया, जिससे बिजली विभाग को आपका रिकॉर्ड रहता है राजस्व का एक साल का 700 करोड़ लगभग 1257 करोड़ रुपए का राजस्व विभाग को फायदा हुआ। उसके एवज में या उसके उनको एक दीपावली का गिफ्ट दिया गया बिजली विभाग के द्वारा। 29 तारीख को बताया गया कि आप अभी ड्यूटी पर नहीं रहेंगे, बिजली विभाग को आपकी कोई जरूरत नहीं है। आज आप लोग जो मंत्री जी से मिले तो ज्ञापन भी दिया, तो उसमें क्या आश्वासन? माननीय मंत्री जी ने हमें सबको आश्वासन दिया है, संबंधित अधिकारियों से बात की है कि मार्च तक इनको रखा जाए और इनको जो लेटर दिया है उसके आधार पर रखा जाए। भूतपूर्व सैनिक लोग मिले, वो काम करते थे, उनको कोई प्रॉब्लम आई है उसके लिए मैंने MD से बात की है और उनकी समस्या का शीघ्र समाधान करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.